हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? और मैं विजय कुशवाहा, आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और इस समय मार्च का महीना चल रहा है और फरवरी के महीने से भिंडी की बुवाई स्टार्ट हो जाती है और इस समय आलू की खुदाई भी चल रही है और आलू की खुदाई के बाद भी भिंडी की फसल लगाई जाती है और फरवरी से अप्रैल तक भिंडी की फसल लगाई जाती है। तो जब भी हम भिंडी की फसल खेतों में लगाते हैं तो सबसे पहले हमको ये सेलेक्ट करना चाहिए कि हमको कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, क्योंकि फसल की पैदावार में मेन भूमिका रहती है उसकी वैरायटी की, उसकी प्रजाति की, उसकी किस्म की। तो हमको जब भी अपने खेतों में कोई भी फसल लगाते हैं तो हमको ये चूज करना चाहिए कि हमको कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए जिससे कि हमारी अधिक से अधिक पैदावार हो और अधिक पैदावार होने के साथ साथ अधिक से अधिक मुनाफा हो और अच्छी वैरायटी हो, जल्दी चलने वाली हो, अधिक पैदावार देने वाली हो। तो इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो भिंडी की 5 टॉप वैरायटी के बारे में आज हम बताएंगे कि ये कौन कौन सी वैरायटी हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और ये किस किस कंपनी की हैं। तो सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी और नए नए प्रोडक्ट के बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो आप पूरी देखना। चलिए शुरू करते हैं और आज हम भिंडी के 5 टॉप वैरायटी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ही जो वैरायटी है वो है BNR कंपनी की 999। जी हाँ दोस्तों, पहली वैरायटी BNR कंपनी की 999 है। इसकी कुछ विशेषताएँ हैं, इसमें जो शाखाएँ वो अधिक फूटती हैं, अधिक शाखाएँ निकलती हैं और ये जो पीला मोजक वायरस होता है उसके ये प्रतिरोधी किस्म है। यह अधिक उत्पादन देती है और अधिक उत्पादन देने के साथ साथ इसकी जो फल का रंग है वो गहरा हरा होता है और इसके फल की जो लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और जो फल की मोटाई होती है वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसकी पहली तुड़ाई बुवाई के 45 से 50 दिन बाद शुरू हो जाती है और पहली तुड़ाई करने के बाद आप 1 से 2 दिन का गैप करके बार बार तुड़ाई इसकी कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो 250 ग्राम आपको मार्केट में 600 रुपये के समथिंग आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगली वैरायटी है BNR कंपनी की दीपका वैरायटी। जी हाँ दोस्तों, अगली वैरायटी है BNR कंपनी की दीपका वैरायटी। ये सस्ती वैरायटी है और इसको भी आप लगा सकते हैं। यदि आपको सस्ते में लगाना है और अधिक उत्पादन लेना है तो आप BNR कंपनी की दीपका वैरायटी को भी लगा सकते हैं। इस पर जो फल वो जल्दी जल्दी आते हैं, इसकी भी अधिक शाखा निकलती हैं और इसकी पहली तुड़ाई 45 से 50 दिन बाद शुरू हो जाती है और ये एक अर्ली वैरायटी है जो कि ये बुवाई के 45 से 50 दिन बाद इसकी पहली तुड़ाई शुरू हो जाती है। इसके फल की लंबाई 13 से 15 सेंटीमीटर होती है। तो ये भी अच्छी वैरायटी है। यह सस्ते में और अधिक पैदावार के लिए आपको वैरायटी लगानी है तो आप BNR कंपनी की दीपका वैरायटी को भी लगा सकते हैं। इसका 250 ग्राम का जो पाउच है वो आपको 280 से 320 रुपए के बीच में आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगली वैरायटी है सिंजेटा की OH-102 वैरायटी है। जी हाँ दोस्तों, तीसरी जो वैरायटी है वो है सिंजेटा कंपनी की OH-102। इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं, इसका फल गहरे हरे रंग का होता है और इसकी पहली तुड़ाई 42 से 45 दिन बाद हो जाती है। बुवाई के 42 से 45 दिन बाद इसकी पहली तुड़ाई हो जाती है। ये भी एक अर्ली वैरायटी है, ये भी एक अगेती किस्म है, इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है और यदि आपको अर्ली वैरायटी के रूप में यदि इसको लगाना है तो आप इसको लगा सकते हैं। इसका जो 250 ग्राम का पाउच है वो 800 से 900 रुपये के बीच में आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसके बाद अगली चौथी वैरायटी एडवांटा गोल्डन सीड की है, नाव्या, जो कि ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। चौथे नंबर पर है वो है नाव्या वैरायटी, जो कि एडवांटा गोल्डन सीड कंपनी की वैरायटी है। इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं, ये पीला मोजक वायरस के प्रतिरोधी किस्म है ये और इसकी पहली तुड़ाई बुवाई के 40 से 42 दिन बाद शुरू हो जाती है और पहली तुड़ाई करने के बाद आप 1 या 2 दिन का गैप करके बार बार तुड़ाई कर सकते हैं। और ये अर्ली वैरायटी है, ये भी एक अगेती किस्म है, यो इसको भी आप अगेती किस्म के रूप में भी लगा सकते हैं। इसकी जो पैदावार है वो भी अधिकतम है। इसका फल जो होता है वो मध्यम लंबा होता है और मध्यम मोटा होता है और इसका आकर्षक फल होता है और इसका जो फल है उसका कलर गहरे हरे रंग का होता है। तो
ये भी अच्छी वैरायटी है। और इसके जो 250 ग्राम का जो पाउच है वो आपको 1000 रुपये के समथिंग मार्केट में मिल जाएगा। इसके बाद पांचवी वैरायटी राधिका वैरायटी है, जो कि एडवांटा गोल्डन सीड की वैरायटी है। और इस वैरायटी के ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, और उस वीडियो की यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और उस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी राधिका वैरायटी संबंधित, तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और इसमें कल्लों की संख्या अधिक निकलती है। जी हाँ दोस्तों, राधिका वैरायटी में कल्लों की संख्या अधिक निकलती है। ये इसकी लंबाई जो है वो अधिकतर अधिक नहीं होती है, 4 से 5 फीट रहती है, और इसके जो कल्लों की संख्या होती है वो अधिक से अधिक होती है। इसका पौधा 5 या 6 फीट के समथिंग बढ़ता है, और ये सबसे अधिक पैदावार देने वाली ये किस्म है। जी हाँ दोस्तों, ये अधिक पैदावार देने वाली किस्म है, और ये पीला मोज़ेक वायरस के प्रतिरोधी है। और इसकी पहली तुड़ाई बुवाई के 45 से 50 दिन बाद शुरू होती है, और एक बार पहली बार तुड़ाई करने के बाद इसको आप बार बार तुड़ाई इसकी कर सकते हैं। इसकी जो फसल अवधि है, इसकी फसल अवधि लगभग 9 से 10 महीने तक चल जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो फसल अवधि है वो 9 से 10 महीने तक चल जाती है, और यदि आप अच्छी देखभाल भी करते हैं तो ये लगभग 12 महीने तक भी ये फसल चल जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और ये हमने जो 5 किस्म बताई हैं आपको भिंडी की, ये वैरायटी ऐसी हैं कि आप इनको जायद की फसल में लगा सकते हैं, और जायद की फसल के अलावा आप खरीफ की फसल में भी आप इनको लगा सकते हैं। राधिका वैरायटी को आप खरीफ की फसल में भी लगा सकते हैं, जायद की फसल में भी लगा सकते हैं, रबी की फसल में भी लगा सकते हैं। तो आप इस वैरायटी को कभी भी लगा सकते हैं, और ये सबसे अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी है। और इन वैरायटी जो 5 हमने वैरायटी आपको भिंडी की बताई हैं, इन वैरायटी को आप देश के सभी राज्यों में लगा सकते हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, सभी राज्यों में आप इसको लगा सकते हैं इन वैरायटीज को। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। इसका जो 250 ग्राम का जो रेट है, प्राइस है, वो लगभग 1500 रुपये के 1750 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा। ये एक महंगी वैरायटी है, लेकिन ये महंगी वैरायटी होने के साथ साथ इसकी जो पैदावार है वो बहुत अधिक है, और अधिक ये पैदावार देती है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। तो ये रही भिंडी की 5 वैरायटीज जो कि हमने आपको इनके बारे में बताया है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और शेयर भी करें, शेयर आप अधिक से अधिक करें, क्योंकि हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर फसल, यहाँ पर खेती अधिकतर की जाती है, तो उन किसानों को भी पता चले, जिन किसानों को अभी तक नहीं पता है कि ये भी वैरायटी बढ़िया वैरायटी हैं, तो उनको भी ये पता चले, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।